नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सत्य खबर पायल शर्मा के साथ। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर हत्याकांड मामले में रेसलर सुशील कुमार की गिरफ्तारी ना होने पर सागर के परिजन नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में सागर धनखड़ के परिवार के सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे की हत्या की गई है तो सुशील कुमार को भी फांसी दी जाए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहलवान सागर की हत्या के बाद करीब 17 दिन से रेसलर सुशील कुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में मृतक सागर के परिजन सुशील कुमार पर राजनीतिक संरक्षण का हाथ होना बता रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि वो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक सुशील कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी और उसे सजा नहीं मिलेगी वो संतुष्ट नहीं होंगे। सागर धनखड़ की माँ सविता का कहना है कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ है और उनके गुरु ने ही उनके बेटे की हत्या की है, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। वही सागर की माँ ने सुशील कुमार को फांसी की सजा देने की मांग की है। पॉलिटिकली है कि जो इसको दबाने की कोशिश कर रही जा रही है और दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ दिलाएगी और केजरीवाल सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए और मोदी जी से भी हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले और आगे से किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। जो पुलिस की कार्रवाई अभी तक है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। सुशील कुमार अभी तक फरार है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड है, कभी बताया जा रहा है कि हरियाणा है, उसको कहाँ देख रहे हैं? उसको यही है कि जी ये दबाने की तो कोशिश हो ही रही है, नहीं तो अभी तो गिरफ्तार तो हो ही जाता है, तो कहीं ना कहीं तो है इसमें नेता है जो भी है पॉलिटिकल है तो इसको। सुशील कुमार के लिए कौन सी सजा की मांग करते हैं? मैं तो फांसी की सजा कहता हूँ जी, कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ है तो और किसी के साथ नहीं हुआ। पहले भी कभी सागर ने बताया था जी कोई झगड़ा उसके साथ सुशील के साथ हुआ हो या किसी और के साथ हो आपके सामने जी? नहीं जी, मुझे बताया मेरे बेटे के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ जी उसका। अब आप सिर्फ यही मांग आपके सुशील के साथ? हाँ जी, हमारी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सागर के मामा आनंद कुमार का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अभी तक सुशील कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो सुशील कुमार के खिलाफ फांसी की मांग करते हैं क्योंकि उनके बेटे के साथ भी गलत हुआ है। वहीं किसी भी तरह के फ्लैट के विवाद से परिजनों ने इनकार कर दिया है। सागर धनखड़ के मामा का कहना है कि फ्लैट पहले ही बदल लिया गया था, इस तरह का कोई विवाद नहीं था। वहीं उसके दोस्त सोनू ने उन्हें सिर्फ मारपीट की जानकारी दी थी। संतुष्टि तो ऐसा है कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा जब तक संतुष्टि वाली बात तो है नहीं। एक बार उसको गिरफ्तार हो और कोर्ट उसको सजा दे और हम तो ये चाहोगे कि ऐसे जो भारत मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए जो तक में लेने की कोशिश कर रहा था उस बच्चे का उसने कत्ल किया है तो ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए। आप इस कार्रवाई को कहाँ देख रहे हैं जो अब तक हुई है सुशील के खिलाफ? देखने का तो इसका अंदाज़ा ये है कि मतलब जब तक आप ये मान लो कि आज 16-17 दिन हो गए और अब तक ये पकड़ा नहीं गया है तो कहीं न कहीं से कोई न कोई से पॉलिटिकल या प्रशासनिक इसका दबाव ऐसा है कि मतलब ये पकड़ा नहीं जा रहा। मेरा अपना मानना है कि कुछ न कुछ इस पे हाथ है जो इसको पकड़ने में असमर्थ है पुलिस। आनंद जी, एक फ्लैट के किराए की बात निकल कर सामने आ रही है, आपने बताया होगा आपको भी, क्या वो मुद्दा था? मुद्दा उसका सिर्फ इतना था कि वो किराए के मकान में रह रहा था और जब उसको पता लगा सुशील का है और उन्होंने भी कहा इस मकान को छोड़ दो तो उसने मकान छोड़ दिया था और अब ये जिस मकान में रह रहा था उस मकान का सुशील गया किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन से मकान में रह रहे, तो ये तो मैटर मतलब बढ़ाने वाली बात है। इस तरह के उसने ना तो काम किया ना वो इंटरेस्टेड था। सोनू के कितने मोमेंट है आनंद जी? सोनू का देखिए, सोनू का सिर्फ उससे सोनू पहले जो रहा आ रहा है मगर उसको करीब साल भर से वो सिर्फ अपनी पहलवानी के लिए इंटरेस्टेड था और वही 76 में उससे एक बार मिलता था। सन्नी, सोनू ने आपको क्या बताया? क्योंकि सोनू पर भी पहले ही मामले दर्ज बताए जा रहे हैं जी, एक काला जठेड़ी गैंग से उसका संपर्क बताया जा रहा है। देखिए, सोनू अकेला कुछ नहीं कह रहा, सोनू का क्या कर रहा, सोनू ने तो मतलब और जो बच्चे थे जिन्होंने बताया भाई मतलब जो मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने क्या क्या इसके साथ घिनौना काम किया। सागर का दोस्त तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि सागर के साथ उसकी दोस्ती किसी वजह से कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब आपकी मांग क्या सुशील के खिलाफ? हमारी तो मांग यही है कि सुशील को गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट के सामने पेश करके वो जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। जानकारी के मुताबिक सागर की हत्या के केस में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हत्या होने के बाद पहली बार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का फुटेज सामने आया है। सुशील मेरठ टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसमें वो कार में एक अन्य शख्स के साथ बैठा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सुशील कुमार के साथ कार में मौजूद व्यक्ति की पहचान कर पुलिस उसकी धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुशील को अरेस्ट करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों की माने तो पहलवान सुशील कुमार की आखिरी लोकेशन पंजाब के भटिंडा में मिली है। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।